अरे ये क्या है? लगता है चौपाल में कुछ हो रहा है। दीदी ये सब क्या हो रहा है? ये चुनाव पाठशाला क्या होती है? चुनाव पाठशाला वो मंच है जहां मनोरंजक गतिविधियों से लोगों को चुनावी अधिकार और चुनावी प्रक्रिया से परिचित कराते हैं। जो लोग औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते उनको खेल, गीत, संगीत, कहानी, पेंटिंग्स एवं अन्य तरीकों से उन्हें मतदाता बनने और मतदान में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। दीदी ये चुनाव पाठशाला लगती कहाँ है? हर एक मतदान केंद्र में जहाँ आपकी सहायता के लिए BLO भी मौजूद होते हैं। चुनाव में अपनी सहभागिता अवश्य सुनिश्चित करें। चुनावी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए चुनाव पाठशाला का हिस्सा बने और देश के जागरूक वोटर बने। राष्ट्र के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपना पूरा सहयोग दें और जिम्मेदार नागरिक बने। याद रहे कोई मतदाता छूटे नहीं। धनबाद के झरिया में पिछले एक साल से पानी की समस्या को लेकर वहां के लोग काफी परेशान हैं। वहीं आज भी पानी की मांग को लेकर डिगवाडी वार्ड नंबर 40 के हजारों लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने जल ही जीवन है, पानी नहीं तो वोट नहीं का हाथ में बैनर लेकर प्रदर्शन करने लगे, पानी की मांग करने लगे। चाहे झरिया हो या फिर डिगवाडी या फिर आसपास के इलाका में पानी की समस्या देखने को मिला। लोग गंदे पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं लोगों का कहना है वर्तमान सांसद PN सिंह इस समस्या के समाधान के लिए कोई पहल अब तक नहीं किए हैं। पानी की समस्या को लेकर PN सिंह उस क्षेत्र में जाने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण हम लोग आज तक पानी की समस्या झेल रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि वोट देकर क्या होगा जब हम सभी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। पानी का दूसरा नाम है जीवन, और पानी बगैर से क्या समझता था आदमी का? आंख नहीं है वो चला लेगा, पैर में ये चला लेगा, अगर बगैर पानी में सुबह से शाम तक नहीं चला सकता। इसीलिए वोट देके क्या होगा जब पानी ही नहीं है, है? आदमी बचेगा ही नहीं तो कहाँ से वोट, कौन सरकार, क्या सरकार है? इसीलिए हम लोग जुझारू आदमी चाहिए जो बोल सकता है, जो पैसा के पीछे नहीं भागे, जो कुछ काम करे, गरीब का उत्थान करे, वो ऊपर उठाए गरीब को। आपके लिए कुछ नहीं किया अभी तक? तो कुछ नहीं किए आज तक, नहीं कभी एक बार दौरा भी नहीं किए जहाँ भाई क्या समस्या है आदमी का, वो जाके थोड़ा इंडिविजुअली देखें, बात करें, हम लोग का बीच में रहे। हाँ कभी भी कोई किसी का दिक्कत होगा उसके लिए दौड़ के आए कि अपना प्रतिनिधि भेजे, अपने अगर तकलीफ है प्रतिनिधि भेजे, क्या वो तो ज्यादातर दिल्ली में रहेंगे। मैंने मूलभूत इंडिविजुअली भेंट करना चाहिए उसको, उनको बीइंग एन MP वो आप मिलेंगे एक बार भी नहीं, अरे वोट के लिए उसके बाद भी 5 साल के बाद नहीं मिले। ये गंदा पानी यही नहाने धोने और पीने के काम में आता है, क्या करें, कहीं पानी मिल नहीं रहा है तो यही पानी हम लोग को पीना पड़ता है। ये लगता है साल दो साल से चल रहा है इसी तरह। वोट क्या दे के करेंगे, सब आता है, सब वादा करके चला जाता है, कुछ काम नहीं होता। हम लोग तो इसी तरह कितने साल से इसी तरह हम लोग मजबूर हैं।